वेक्टर स्पेस में बात करते हैं रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल की। वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है, तो पहले ये तो करना। वेक्टर स्पेस में बात करते हैं रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल की। रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है, तो इसको देखते हैं। देखिए, ये लिखी हुई है वेव इक्वेशन एक वेक्टर पोटेंशियल के लिए अंडर द लॉरेंस कंडीशन। ये इक्वेशन क्या है, ये डेल्टा का स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन का स्क्वायर ओवर कर्ली टी स्क्वायर इज माइनस म्यू जे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये वेव इक्वेशन लिखी हुई है वेक्टर पोटेंशियल के लिए अंडर लॉरेंस कंडीशन। अब इस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखे, हमें पता है ना एक्स वाई और जेड कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर इस पूरी इक्वेशन को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट में ए के नीचे एक्स, ए के नीचे वाई, ए के नीचे जेड। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जे के नीचे एक्स, जे के नीचे वाई, जे के नीचे जेड आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया इस इक्वेशन को कंपोनेंट फॉर्म में, यहाँ तक ठीक होगी बात। अच्छा, अब देखिए फर्स्ट सेट का अगर हम सोल्यूशन देखें ना, तो वो ये बनता है। ठीक है, ये क्या है, ए एक्स कंपोनेंट का सोल्यूशन देख रहे हैं, आर पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, आर कॉमा टी इज इक्वल टू म्यू ओवर 4 पाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लगाइए तो साथ में डीवी बार, इंटीग्रेशन का वी बार से मिल गया यहाँ पे। और ये चीज हमने फर्स्ट का सोल्यूशन सेट लिखा हुआ है। ठीक होगी बात। इसी तरह से वाई और जेड कंपोनेंट्स के लिए भी हमने सॉल्यूशन सेट लिख लेने हैं। और फिर ये जनरल सॉल्यूशन सेट जो है ना, अब देखिए ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट के सॉल्यूशन सेट लिखे हुए हैं। और ये लिखा हुआ है एक जनरल सॉल्यूशन सेट, और ये जो जनरल सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ है, दिस इज नॉन एज रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल। इसको हम कहते हैं क्या, रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल। तो ये है रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल, आप एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।